हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीवी के ऑफिशियल। तो मैं आ चुका अपने कौन ब्लॉग के साथ। तो अभी हो रहा है सुबह के 9:30, सॉरी 11:30, मतलब 11:30। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट उठा हूँ। तो आज है सैटरडे, तो आज एक सिर्फ सेमिनार हॉल में एक एक सेमिनार है मेरा, ठीक है। तो वो है 1 बजे आज उसकी टाइमिंग। तो अभी जस्ट उठा हूँ मैं 5-10 मिनट, आधा घंटा पहले। तो अभी नहा धो लिया है, फ्रेश हो गए हैं, तो अभी जा रहे हैं मैस में खाना खाने। तो देखते हैं आज मैस में क्या बनना है खाने में, और देखते हैं आज कुछ कंटेंट मिलता है ब्लॉग के लिए, तो वो भी देखेंगे। और बियर्ड कैसी लगी ज़रूर बताना, ख़राब हो गया बट चलो। तो चलो फिर चलते हैं नीचे, थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा लेते हैं बालों में। तो फिर चलते हैं नीचे और मैस में देखते हैं क्या खाना बना है, आपको भी दिखाते हैं, खाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है बड़ी बड़ी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, उठा लेट बट अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो भी बड़ी ज़्यादा भूख लग रही है। मिलते हैं नीचे। मैस में आ गया, चावड़ा है, दाल मिक्स जो तो बनी होती है, रोज़ बनी होती है भाई, ये तो आपको रोज़ दिखाता हूँ। ये राजमा बने वाइट वाले, चपातियाँ खाते हैं, फिर मिलते हैं। फाइनली गाइज, अभी आ गए हम खाना खा के, ठीक है। तो अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, और फिर अभी थोड़ा नोट्स भी लिखने हैं। रात को 2 बजे लिख के सोया था, फिर भी कंप्लीट नहीं हुए थे, थोड़ा सा रह गया था फिर भी। तो अभी फिर से आ गए हैं, तो अभी नोट्स लिखने थोड़े से, फिर उसके बाद आज एक सेमिनार भी है पहले, जैसे आपको पहले ही बताया मैंने, तो वो भी अटेंड करना है। तो यही बात है यार, कंटेंट नहीं है, बस फुल लाइफ बिजी हो गया, मतलब खतरनाक तरीके से एकदम। पढ़ो लिखो लिखो लिखो, आधा टाइम तो लिखने में चलता है, पढ़ाई को भी टाइम नहीं मिलता यार, इतनी बुरी आदत हो गई है। तो ब्लॉग्स तो फिर भी ला रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट रखो। तो चलो फिर मिलते हैं बाद में। सो फाइनली गाइस, अभी हो रहे हैं दोपहर के 1:30। तो अभी हम जा रहे हैं एमबीए डिपार्टमेंट में, वहाँ पे एक सेमिनार टाइप है, तो करते हैं अटेंड, आपको दिखाते हैं, फिर मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी आ गए हैं एमबीए डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे हमारा होने वाला सेमिनार स्टार्ट। तो मैं और अमित सबसे लास्ट बैठे हुए हैं, तो एक ही आगे ये ब्लॉगिंग करता है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, तो चलो फिर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे सबको, किसी को भी, तो चुपचाप बैठ जाते हैं, ब्लॉग करेंगे। सो फाइनली हम निकल चुके हैं वहाँ से, वो वगैरह ज्वाइन वगैरह किया, अभी हम जा रहे हैं, फोटोशूट वगैरह हो गया। तो अभी जा रहे हैं हम कैंटीन में, कैंटीन में चलते हैं, वहाँ पे भूख लग रही है, कुछ खाते हैं कैंटीन में, और फिर मिलते हैं आपको भी। तो कैंटीन में जा रहे हैं अभी, तो फिलहाल तो भूख लग रही है यार बड़ी ज़्यादा, तो पूरा दिन बस ऐसे निकल गया, पता भी नहीं चला आज का सैटरडे, ऐसे ही निकल गया। कल संडे है, साढ़े तीन हो गए, तो टाइम तो निकल गया ना पूरा। तो अभी लिखना भी है, अभी वो भी लिखना है, क्या कहते हैं, अभी प्रैक्टिकल लिखना है रात से, रात को कल 10 बजे से लिख रहा हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा लिख लिख के। तो आई होप आज ख़त्म हो ही जाए रात होने से पहले पहले। टेंशन बड़ी है, ये भैया जी है हमारे साथ, ये भी हमारे रूममेट्स हैं, मतलब रूम के साथ वाले रूम वाले, तो बड़ी हेल्प करते हैं, तो थैंक यू है मेरा दिल से सबको यहाँ जो हेल्प करते हैं मेरी। तो चलो फिर चलते हैं कैंटीन में। सो फाइनली गाइस, अभी मतलब जूस वगैरह लिया था, बड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, लेकिन बड़ी गर्मी, पता नहीं क्यों, क्या गर्मी है तो गर्मी हो रही है। लेकिन बहुत गर्मी है यार, तो अभी थोड़े बाहर आए थे हॉस्टल से, तो हम ऐसे निकलते नहीं, तो आज निकले थे, हमने सोचा थोड़ा इधर पेड़ के नीचे, छाया के नीचे बैठ जाएँ, घर वाली फीलिंग ले ले, ऐसे फुल घर वाली फीलिंग्स तो नहीं आती, लेकिन ऐसे थोड़ी बहुत तो आ रही है। तो चलो फिर चलते हैं अब रूम में और हॉस्टल में, और चलते हैं करते हैं अपना कंटिन्यू, अपना काम जो रह चुका है बचा कुचा वो भी पूरा करते हैं, और फिर मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी हो रहे हैं रात के 8, तो 8 बज गए, तो अभी जा रहे हैं हम मैस में खाना खाने, तो देखते हैं क्या बना आज खाने में। तो चलो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, रूम करते हैं बंद, तो कार्ड ले लिया उसको जानते डे में, तो लगाते हैं ताला रूम को, और चलो फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं मैस में आज खाने में क्या बना है सैटरडे को। तो कुछ आई होप अच्छा ही हो, अच्छा ही होता है सब, मतलब इतना बुरा भी नहीं होता, सभी अच्छे ही होते हैं, तो आई होप अच्छा हो। तो चलो फिर मिलते बाद। सो फाइनली गाइस, अब आ गए हम खाना खाने, तो ये वही दाल है जो हम खाते हैं, ये तो खान जीते हैं जिसके सहारे, तो ये घी, तो ये भी ख़त्म कर दिया, तो ये डाल के ये खाऊँगा फिर ज़्यादा टेस्ट लगेगा। ये चपाती हैं, तो एक ये सब्ज़ी भी है, बट ये मैंने ली नहीं है। तो अमित बैठा है, गौरव बैठा है, ये पीछे हमारे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो खाते हैं खाना और मिलते हैं फिर जरा जाते रूम में। सो फाइनली गाइस, अभी हार चुके हैं हम खाना खा के, तो ठीक है, तो आज का ब्लॉग करते हैं ये पे एंड। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो कल फिर इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, तो मिलते हैं कल सुबह, बाय। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30। तो आज एक छोटा सा पेपर, मतलब एक कमेटी होती है हमारे कॉलेज की, साइंस वर्ल्ड नाम की एक कमेटी, तो उसका एक छोटा सा पेपर है, तो मैंने भी जस्ट रजिस्ट्रेशन कर दी थी,
कुछ खास मतलब वो तो मन नहीं था कि हाँ जाऊँ, बट फिर भी सोचा कि कर लेता हूँ, शायद फ़ायदे में रहूँगा, तो अभी किए देते हैं पेपर, जा रहे हैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो रेडी वगैरह हो चुका हूँ मैं, तो देखते हैं कैसा होता है पेपर, आई होप पास हो जाए, क्वालिफाई हो जाऊँ, नहीं भी हुआ तो क्या ही कर सकते हैं, बट सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से थोड़े से सिलेक्ट होंगे, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलो फिर चलते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, पेपर देख के आते हैं, तो फिर आके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि संडे यार, संडे भी ऐसे निकल जाता है हर बार का, इस बार का ऐसे नहीं निकालना है, इस बार का थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखे और वापस आएंगे, चलो फिर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी निकल चुका है रूम से, तो कैसा लग रहा हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताना, यहाँ से दिख नहीं रहा, बैक कैमरे से दिखाऊंगा बाद में, तो ये मेरे दोस्त हैं ये भी दोनों, ठीक है, ये भी पेपर देने जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट बोल दो इनको भी, और मुझे तो बोलो यार, मुझे तो बोलना ही है, ठीक है, तो देखते हैं आज क्या होता है, पेपर देख के देखते हैं, आई होप क्लियर हो जाए, कुछ भी हो सकता है यार, गेम कभी भी पलट सकती है, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, बेशक मैंने पढ़ा नहीं है कुछ भी, लेकिन ट्राई कोशिश पूरी करेंगे, तो चलो फिर मिलते हैं आपको इससे दावत जाके। तो फाइनली गाइस अभी पेपर ख़त्म हो गया, ठीक है, तो अभी जा रहे हैं हम वापस, तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो क्वालिफाई तो हो ही नहीं सकता, शायद हो जाऊँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा किया टाइम, ज़्यादा नहीं किया, बट कुछ बोल नहीं सकते हम, तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं, भूख लगी है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, अभी भूख लग रही है बड़ी ज़्यादा तेज़, तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी और चेंज करते हैं और फिर खाना खा के चलते हैं। गाइस खाना लेके आ चुका हूँ, तो अभी यहाँ पे बने हुए छोले आज, लेकिन गोरो बता रहा है आज मिर्ची है तो घी डाल के खाएंगे, और चपाती लिया बस, और कुछ नहीं, चावल भी बने हैं, दाल भी बनी है, बट मैंने सिर्फ यही लिया, इसी से पेट भरेंगे, खाते हैं फिर मिलते हैं। सो फाइनली गाइस खाना खा के आ चुका हूँ, लेकिन आज तो सही बताओ तो बड़ी ज़्यादा मिर्ची थी, खाया नहीं क्या कुछ खास, लेकिन क्या करना था, फिर जैसा था खाना पड़ा, लेकिन आज सच्ची में मिर्ची थी यार बड़ी, तो चलो फिर चेंज करते हैं कपड़े के, बड़ी देर के लगाए हुए हैं, तो करते चेंज, पेपर तो कुछ खास हुआ नहीं, तो मिलते हैं शाम को अगर कभी बाहर जाएंगे तो। सो फाइनली गाइस अभी जा रहे हैं बाज़ार में, और संडे है तो यहाँ वॉइस वगैरह आ रही है, कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, खाने के लिए, और थोड़ा बहुत ऐसे भी और भी सामान चाहिए, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं, लेते आते हैं, मिलते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम गए यहाँ पे हल्दीराम दुकान पर, तो अभी हमने लिए मिक्सचर, ठीक है, तो क्योंकि पूरा हफ्ता निपटाना होता है, तो पूरा दिन भूख लगती रहती है रात को, तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत सामान लेने आए हैं, तो अभी लेते हैं यहाँ से, आपको बाहर से भी दुकान दे दूँगा, तो जल्दी जल्दी पैक करवाते हैं, निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ओके गाइस ले लिए, ले लिए ये रहा हमारा बैग, तो यहाँ से शॉप पे लेते हैं, तो फिर निकलते हैं भैया, शॉप पे की तरफ चले भैया, शॉप टी तो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, शॉप टी भी गाइस, सॉफ्टी वगैरह ले लिए, ये मेरी है अभी, इसके यहाँ पे बन रही है, तो ये रही हम दोनों की सॉफ्टी, तो ऑटो वाले भी यहीं पे वेट कर रहे हैं हमारा, तो चलो फिर चलते हैं। फाइनली गाइस अभी आप वहाँ आ गए हैं वापस, तो हल्दीराम से गए थे, वो दिखाया आपको, ये इसमें मिक्सचर वगैरह लेके आए हैं, और यार बहुत सही लगा मेरे को सिस्टम, साथ में बिल भी दिया है, वो भी निकल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख गया, तो चलो फिर अब चलते हैं, तो खाने के लिए कुछ लाए नहीं, मतलब ये खाने के लिए है, लेकिन ये रात को खाने के लिए, तो अभी हम सोच रहे हैं कि जोमेटो से कुछ मंगवाएं आज फिर संडे को, तो आज गौरव मंगवाएगा, पिछली बारी अमित की बारी थी, इस बार मेरी टर्न, मतलब इस बार गौरव की टर्न है, तो चलो फिर चलते हैं रूम में और फिर मिलते हैं आपको। ओके गाइस खाना लेके आ गए हम सारा सामान, ये देख सकते हैं हल्दीराम के 3-4 पैकेट हैं, तो सब ले लिया, अभी जा रहे हैं हम कैंटीन में दूध वगैरह पी लेते हैं, ये तो रात के लिए, तो अभी दूध वगैरह पी लेते हैं, तो चलो फिर मिलते हैं आपको सीधा कैंटीन में। तो अब हम आ गए कैंटीन में, तो आज पीना था दूध, लेकिन आज घर गिर ही जाता है क्या करूँ, तो आज दूध नहीं रहा, चाय है सिर्फ, और साथ में लिया कचौड़ी, अच्छी लगती है मेरे को अभी, अच्छा मतलब अभी थोड़ा आदत पड़ गई इसको खाने की, थोड़ी मिर्ची होती है लेकिन टेस्ट लगती है मेरे को, इसलिए हम खा लेते हैं ये भी आजकल, तो पीते हैं चाय, कचौड़ी खाते हैं, तो ब्लॉक को करते हैं रूम में जा कैन। ओके सो फाइनली गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो आज का संडे तो बस इतना ही एंजॉय कर पाए, तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, तो मिलते हैं ऐसे को न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय डोगरी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।